कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं? माना जा रहा था कि आरएलडी से गठबंधन के बाद अखिलेश मुसलमान और जाटों को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि जाट नाराज हैं। जाटों की नाराजगी तब सामने आई जब मेरठ के सिवाल खास विधानसभा से गठबंधन ने मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया। क्या है पूरा मामला? मेरठ को लेकर यह बवाल छिड़ा है। जाटों का को दोहरा झटका तब लगा जब सिवाल खास में समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता को आरएलडी ने अपना टिकट दे दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई का आगाज किया। दोनों नेताओं ने गदा थाम कर बताया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को यूपी से बाहर भेजेगा। जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया तो लगा यूपी की राजनीति में ये गठबंधन बड़ा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय अहम और निर्णायक भूमिका निभाता है और इस बार राकेश टिकैत की बीजेपी से खुल्लम खुल्ला लड़ाई भी है। लेकिन सियासत के रंग देखिए कि जिस मेरठ से अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन का ऐलान किया था, अब उसी मेरठ से गठबंधन के विरोध में चिंगारी फूट रही है। जाट समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जाटों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने जाटों की अनदेखी की और मुसलमानों को तरजीह दिया। जिले के किसी भी विधानसभा पर स्वाभिमानी जाट समाज को कोई प्रतिनिधित्व न मिलना हमें आहत करने का विषय है, कष्टदायक है, और इसीलिए उस विरोध को दर्ज कराने के लिए हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठ के उस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। और हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। आखिर जाट महासंघ अखिलेश यादव पर नाराज क्यों है, इसकी हकीकत जानने के लिए जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पश्चिमी यूपी में जाट दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिम यूपी में जाट 20% के करीब है तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% के ऊपर है। पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों के आंकड़े आपने देखे। अब देखिए कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों को तरजीह देने की बात में कितनी सच्चाई है। मेरठ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि जाटों को 1 सीट दी गई है। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को टिकट दिया। किठौर विधानसभा से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट दिया। सिवाल खास सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। दक्षिण मेरठ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आदिल को टिकट दिया है। वहीं मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को टिकट दिया है, जो जाट समाज से है। मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट को जाटों ने नाक का सवाल बना लिया है। सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत की सीट है। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। जाट नेता सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। जाटों का गुस्सा कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिए जाने पर भी है, जिस पर हिंदुओं के पलायन के लिए उकसाने का आरोप है। नाहिद हसन अब पुलिस की हिरासत में है और अटकलें हैं कि उसकी बहन इकरा को उसकी जगह समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जा सकता है। अब आरएलडी नेता कह रहे हैं कि वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर गांव-गांव चौपाल लगाएंगे। बंधन बना समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, और भले ही हम उस गठबंधन में जूनियर पार्टनर हों, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है राष्ट्रीय लोकदल का, और हम ही यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जो है वो डिसाइसिव फैक्टर है, जो किसान है। किसान में सिर्फ एक जाति विशेष नहीं आती, सभी लोग किसानी करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों का यहाँ गठबंधन में सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में खास ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन बींग सीनियर पार्टनर, जो हमारे सीनियर पार्टनर है गठबंधन के, उन्होंने ये नहीं किया। हम गठबंधन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो तो जो फैसला है उस पे हमारा ये है आग्रह हमारे नेतृत्व से कि उस पे पुनर्विचार हो। मसला सिर्फ गठबंधन में तनातनी का ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का समाजवादी और आरएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन की बात से पलटना भी अखिलेश यादव के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।